हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल में। तो हम जो भी इस कोर्स में अब तक देखा कि किस तरीके से लेयर्ड एप्लीकेशन काम करता है, अब हम उसकी करेंगे कोडिंग। और उस कोडिंग करने से पहले हम करेंगे इन्वायरमेंट सेटअप। और इन्वायरमेंट सेटअप में क्या करेंगे कि मैं अब तक STS में बता रहा था आपको चीज़ें, पर STS में ना काफ़ी सारा कभी कभी बग्स आ जाता है यार। स्प्रिंग टूल सूट में कभी कभी बहुत बगी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इक्लिप्स ही यूज होता है, क्योंकि STS स्प्रिंग टूल सूट जो है इक्लिप्स के ऊपर ही बना हुआ है, बेस उसका इक्लिप्स ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम किसी तरीके से इक्लिप्स में स्प्रिंग का प्रोजेक्ट काम करवा सकें, स्प्रिंग के फीचर्स ला सकें, स्प्रिंग टूल सूट के फीचर्स ला सकें, तो मेरा काम हो गया। यस, तो वो काम आसान है। आप कैसे इक्लिप्स में अपने, यहाँ पर देखिए मैं इक्लिप्स खोलता हूँ, मेरे पास वर्सन ये वाला है, 2019.6 वाला वर्सन है, काफ़ी मस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने अभी तक इसको कर रखा है। एंड यहाँ पर मैं इसमें इंटीग्रेट करूँगा स्प्रिंग टूल सूट। कैसे इंटीग्रेट करूँगा, देखिए मैं एक वर्क स्पेस जो हम ग्रैडल सीख रहे थे आई थिंक, यस, तो इस ग्रैडल में लॉन्च कर लेते हैं अपने इसी इसको। ओके, इक्लिप्स IDE ये जो है हमारा, ये लॉन्च हो जाने दीजिए, कोई भी वर्क स्पेस हमारा खुला हुआ है नॉर्मली। इस इक्लिप्स IDE में हम आराम से मस्ती से एकदम यूज करेंगे स्प्रिंग टूल सूट के सारे फीचर्स और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। जब इसमें हो जाएगा हमारा इक्लिप्स में, तो मैं क्यों इंस्टॉल करूँगा STS, वो तो मैंने आपको बताया था कि आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं भाई STS में नहीं बता रहे हो, STS में, तो भैया मैंने कहा ठीक है भाई STS में सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्लिप्स IDE में भी आप सेम चीज़ें फीचर्स में ला सकते हैं जो चीज़ STS में होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारा ग्रैडल का एप्लीकेशन, अच्छा ये सब ग्रैडल का चीज़ था सब कुछ, यहाँ आते हैं देखिए हेल्प में, हेल्प में आने के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर STS लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा STS। देखिए अभी खुलने दीजिए, इसको आराम से खुलने देते हैं। इक्लिप्स में कैसे इंटीग्रेट करना है स्प्रिंग टूल सूट को, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट स्प्रिंग टूल सूट आई थिंक 4 चल रहा है, पर 4 में यार मैंने यूज़ करके देखा, वो जो मेरे पास था ऑलरेडी, मैं आपको पढ़ा रहा था, 4 उतना कंफर्टेबल नहीं लग पाया मेरे को, थोड़ा बगी लगा, कुछ कुछ इशू आ रहा था वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा आपको इक्लिप्स के साथ ही बताते हैं। वैसे भी इक्लिप्स जो है काफ़ी वाइड लेवल पे यूज होता है, चाहे आप स्प्रिंग का प्रोजेक्ट डेवलप करें या कोई भी नॉर्मल सा स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट भी डेवलप करें, इक्लिप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, राइट। तुम्हारे पास इक्लिप्स है, ये खुला अभी, ठीक है, ये देखिए खुलेगा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखाने में आसान रहे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ STS और हिट करता हूँ एंटर, सिंपल लिखेंगे STS, स्प्रिंग टूल सूट का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, आराम से वेट कर लेते हैं, खुलने देते हैं, थोड़ा सब कुछ आएगा, फिर से आएगा, देखिए क्या आएगा ज़रा देखते हैं, जस्ट सी यार, खुद से आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिस्ट होंगी। देखिए स्प्रिंग टूल सूट 3 आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो स्प्रिंग टूल सूट 3 स्टैंड अलॉन एडिशन है, मैं तो कहूँगा कि आप स्प्रिंग टूल 3 ही यूज कीजिए, 4 जो है थोड़ा बगी है, मैं समझ सकता हूँ, राइट, तो मैं इसको ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इस 3 वाले को, एंड जस्ट इंस्टॉल दिस, फाइन यार इंस्टॉल कर लेते हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि उसमें बग्स है, तो मैं इसी को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ 3 वाले को। और यहाँ पे अभी ये कुछ हमसे कहेगा नेक्स्ट कुछ कंफर्म करने को, तो अभी कलेक्ट कर रहा है इंटरनेट से डेटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जो लेयर्ड एप्लीकेशन है ना उसका रियल प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है जितना कुछ, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें सारे में टिक होके कंफर्म कर लेना है यहाँ से, एंड इट विल अगेन टेक टाइम यार, ये फिर से टाइम लेगा डाउनलोड होने में, कैलकुलेट होने में। तो ये देखिए कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स, कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडेंसी, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है, हाई स्पीड इंटरनेट है तो, वरना मोबाइल डाटा से भी हो जाएगा, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इंटरनेट में। तो फिर यहाँ पे ये करेगा फिनिश, और यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो डाउनलोड हो रहा था वो, एंड यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ये 100% जैसे ही होगा, जस्ट देख लेते हैं, एंड सी आर, आराम से इसको इंस्टॉल होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, यस। तो यहाँ जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो रीस्टार्ट नाउ का बटन आएगा, तो आपको रीस्टार्ट एक बार कर लेना है, एंड ये रीस्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जब भी कुछ चेंज होता है बड़ा मेजर आपके ID में, तो ये रीस्टार्ट बोलते हैं ताकि सब कुछ सेट हो जाए, राइट, तो वो सेट हो रहा है अभी, जस्ट वेट कर लेते हैं, फाइन। सो आई थिंक ये खुल जाना चाहिए इसको जल्दी से, लेट्स वेट, नया इंस्टॉल हुआ हमारा तो थोड़ा मे बी टाइम लग सके, फाइन यार,
आप लोग कमेंट जरूर करके बताया कीजिए अगर कोर्स अच्छा लग रहा है, कुछ स्पीड से ये पढ़ाने का ये बता दो आप। जो वीडियोस लॉन्ग होती हैं प्लीज़ कंप्लेन मत करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस ही आपको इन डेप्थ कंटेंट दे सकेंगे। अगर मैं 10-10 मिनट की वीडियोस बनाने लगूँ तो आई थिंक मेरे में फिर रहेगा क्या यार, मतलब मैं जैसे लोग सब करते हैं बस व्यूज के लिए वगैरह वगैरह ऐसा। ये देखो व्यूज ज़रूरी है, अगर मैं बना रहा हूँ ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई थोड़े लोग देखें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बस व्यूज के पीछे पागल हो जाऊँ, नंबर्स के पीछे, और 10 या 5 मिनट की वीडियोस जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़त्म कर दूँ कोर्स। नहीं, मैं इनडेप्थ कोर्स लाता हूँ तो बस यार थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है कि जो मैं जानता हूँ पूरा आपको बता देता हूँ, तो आई थिंक कि वो एक मेरे अंदर है तो मैं इसलिए पूरा का पूरा आपको बताते जाता हूँ, इसलिए वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। एंड आपको जब सीख रहे हो तो पूरा सीखो शुरू से लेकर के एंड तक, एंड कुछ छूटना नहीं चाहिए राइट ना, इसलिए जस्ट ये खुला हमारा। और जैसे ही खुला तो देखो अब इस बार जो है यहाँ मैं क्लोज करता हूँ इस क्लोज बटन पे, वेलकम वाले बटन पे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बटन्स मिल रहे हैं हमें, है ना, इतने सारे बटन्स मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे बटन्स मिल रहे हैं राइट। तो ये जो बटन्स देख पा रहे हो अब यहाँ पे देखो, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड, स्प्रिंग डैशबोर्ड है ना, इसका ये सब का हमारे पास बटन मिल गया। तो ये अब आप स्प्रिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं यहाँ से, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, ओ सॉरी एक्सटेंडली सॉरी ब्रो, राइट क्लिक न्यू। अगर मैं यहाँ पे अदर जाऊँ और देखूँ यहाँ पे लिखूँ मैं स्प्रिंग, तो देखो स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्प्रिंग बिन डेफिनेशन, स्प्रिंग लीगसी प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट, सब कुछ आ रहा है राइट। तो इसका मतलब अब हमारे इक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है क्या, क्या इंस्टॉल हो चुका है भाई जो हमने अभी इंस्टॉल किया, क्या इंस्टॉल किया बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट्स आप लोग बताओ, और कर लोगे ना वो इक्लिप्स, हाँ तो आपको STS इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से। फाइन यार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग करेंगे कोड, एंड जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे लेड एप्लीकेशन का, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बहुत अच्छे से बनाएंगे कोड को पूरा, और पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट सारे को अप्लाई कर देंगे उस एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो कोडिंग, बाय, टेक केयर।